शिक्षक भर्ती निकलने वाली है और अनट्रेन जितने भी शिक्षक हैं, चाहे गवर्नमेंट में हो प्राइवेट में हो, सभी को यहाँ पर हटाने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ये जो खबर आ रही है आज की हिंदुस्तान.com के माध्यम से आ रही है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 11/10/2019, और आज जो है ये हिंदुस्तान के अखबार में आया है। आप देख सकते हैं कि NIH DLED कि यहाँ पर जो आयोजन की जा रही है, यहाँ पर देख सकते हैं कि निजी में 6,198 शिक्षक हुए थे फेल, और इन शिक्षकों को जो हटाने का जो है निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर पारा टीचर अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर झारखंड के लिए भी 3,508 पारा शिक्षक ऐसे हैं जो कि फेल कर गए हैं, या उनके NC के कारण जो इसकी 50% नहीं है, इस कारण जो इसकी अनट्रेंड वैलिड किया हुआ, और उसको जो है पद से मुक्त किया जाएगा। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर ट्रेन शिक्षकों की 20,000 पदों से अधिक जो है भर्ती होने वाली है। उसी को लेकर यहाँ पर एक अपडेट आया है जो कि रांची के हिंदुस्तान के अखबार से आ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह का देख सकते हैं हटाए जाने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों का जो आप देख सकते हैं जिलावार। दोस्तों अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो नीचे में कमेंट करके अपना जिला का नाम जरूरी लिखेगा। आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है बोकारो में इतना जो परीक्षा में शामिल हुए थे फेल, देख सकते हैं। सबसे दोस्तों अगर देखा जाए तो गिरिडीह में सबसे अधिक यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि कुल जो है गिरिडीह में देख सकते हैं 155 है, और यहाँ पर जो शामिल हुए थे 358। दोस्तों इस तरह का जो है जिलावार दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बोकारो से 113 जो कि फेल हुए हैं इतना, और यहाँ पर शामिल हुए थे। तो दोस्तों इस तरह का जो है पूरे झारखंड में जितने भी अनट्रेंड पारा शिक्षकों को, उसके लिए यहाँ पर सरकार ने हटाने के लिए आदेश दिया है। साथ ही साथ जो भी प्राइवेट शिक्षक हैं निजी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और अभी तक जो है यहाँ पर अनट्रेन यहाँ पर देख सकते हैं फेल हुए हैं, उसकी संख्या है 6,198 जो कि NIH परीक्षा में आयोजन किए थे, तो उसमें अप्रशिक्षित पास नहीं कर सके। और केंद्र सरकार ने ये जो है निर्देश जारी किया गया है के अनुसार जो है स्कूल में अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया है, और आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस पूरी खबर को पढ़ते हैं क्या है। जैसा कि दोस्तों कल जो है लास्ट डेट था, यानी जो भी शिक्षक जो है लास्ट सप्लीमेंट्री का जो है यहाँ पर फी पेमेंट नहीं किया था 31 था, लेकिन दोस्तों ये 10 दिन जो है इंक्रीज किया गया था, और कल जो है दोस्तों यहाँ पर मैं अपडेट नहीं दे पाया हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका लास्ट अपडेट जो है यहाँ पर बढ़ाकर 10 नवंबर तक किया गया था। अगर आप इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर सर्वर एरर करके यहाँ पर बताया हो रहा होगा। तो दोस्तों ये जो है जो शिक्षक अभी तक नहीं भर पाए थे फॉर्म किसी कारणवश, तो भर ले, और जिन शिक्षकों का अभी फिलहाल NC लगा हुआ है वो जाकर ऑन डिमांड आप भर सकते हैं, जो कि ऑन डिमांड भरने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और यहाँ पर STEAM 4 Block 4 में आपको क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों आप वीडियो को पूरी देखिएगा, और उससे दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों NIH से जुड़ी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना करे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य के 3,508 अप्रशिक्षित पारा शिक्षक हटे, तो यहाँ पर 1.57 लाख छात्र छात्राओं का पढ़ाई जो है तत्काल प्रभावित होगी। और ये जो है सेवा काफ़ी दिनों से दे आ रहे हैं, कहे तो 20 से 25 उससे अधिक होगा जो कि सेवा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हटाने की बात कही जा रही है। छात्र छात्रों को लर्निंग आउटकम को सुधारने के लिए चल रहे ज्ञान सेतु का संचालन नहीं हो सकेगा, और यहाँ पर जो लर्निंग का जो ज्ञान सेतु का जो प्रोग्राम है और संचालित इसे में नहीं हो पाएगा अगर हटाया जाता है। तो वैसे 9 प्राथमिक स्कूल जो सिर्फ 2 शिक्षकों के भरोसे चलते हैं चल रहे थे, अगर वहाँ के शिक्षक अप्रशिक्षित होने के कारण हटाए जाते हैं तो स्कूल में पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो जाएंगे। अगर जहाँ पर सिर्फ 2 ही टीचर हैं जिस स्कूल में, वहाँ पर अगर हटाई जाती है तो उसकी पढ़ाई वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। हटाया जाए स्कूल में पढ़ाई पूरी तरह ठप हो जाएगी, स्कूल बंद करने का नौबत आ जाएगी। ऐसे में पाठन पाठन का प्रतिकूल असर पड़ सकता है, और यहाँ पर कहना है कि 1,300 3,508 अप्रशिक्षित पारा शिक्षक
प्रारंभिक स्कूलों में कार्यरत थे, जो कि दोस्तों यहाँ पर अनट्रेंड जो अप्रशिक्षित पारा शिक्षक है अभी 3,508 है, जो कि अभी भी कार्यरत हैं। ये शिक्षक पिछले 17-18 से सेवा दे रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि 20 से के आसपास में ये शिक्षक सेवा दे रहे हैं, और इसी के कहे तो अभी टिका हुआ जितने भी प्राथमिक स्कूल हैं प्रारंभिक, दोस्तों यहाँ पर पिछले 17 से 18 सेवा दे रहे हैं। जिन स्कूलों में दो स्कूल हटाए जाएंगे वहाँ का जो है पढ़ाई बाधित हो जाएगी, और शिक्षक ज्ञान से संचालन रहेगी। अन्य क्लास में छात्र छात्राएं सिर्फ किताब में ही पढ़ाई कर सकेंगे, यानी जो जो शिक्षक ज्ञान सेतु का जो प्रोग्राम लाया गया है वो नहीं हो पाएगा, सिर्फ किताबी दुनिया पर रह जाएगी। छात्र सिर्फ किताबों में ही पढ़ सकेंगे, वही जनवरी में 8वीं बोर्ड की परीक्षा है। दोस्तों जैसा कि झारखंड की जो 8वीं बोर्ड की परीक्षा है वो जनवरी में आयोजित होने वाली है, ऐसे में छात्र छात्रों को कोर्स पूरा नहीं हो सकेगा, जिसका असर जो है रिजल्ट पर सीधा पड़ सकता है। यहाँ पर 40 अगर दोस्तों अगर बात करें, एक टीचर जो है 45 बच्चों को संभाल रहे हैं, यानी 45 बच्चों पर एक शिक्षक। राज्य के फिलहाल 45 से 50 बच्चों पर एक शिक्षक, ऐसे में अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को हटाने पर यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 लाख से भी अधिक शिक्षक को सॉरी छात्र छात्रा को यहाँ पर जो है पढ़ाई पर असर पड़ने वाला है। 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। दोस्तों शिक्षा के अनुसार 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। इस आधार पर राज्य में करीब 20,000 शिक्षकों के पद जो है खाली है, और अगर देखा जाए तो राज्य में कुल मिलाकर जो है 20,000 उससे भी अधिक पद जो है खाली है। और अभी जो है विधानसभा चुनाव की वजह से नए साल पहले नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, और अभी जो विधानसभा चुनाव आने वाली है झारखंड में, तो उसको देखते हुए यहाँ पर अभी तो नई प्रक्रिया नहीं हो सकती, प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। बिन शिक्षकों के संबंधित स्कूल के छात्र छात्रा को पढ़ाना होगा, और निजी स्कूल के दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, निजी स्कूल के जो भी टीचर एनआईएस डीएलएड किए हैं और निजी में है, तो वहाँ पर 6,198 शिक्षक ऐसे हैं जो कि फेल कर गए हैं किसी कारणवश, जिसका एनसी पर रोक लगा दिया गया है, जिसकी 50% कम है। और यहाँ पर आयोजित शिक्षकों की यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा में, निजी स्कूल में 600-190 अप्रशिक्षित शिक्षक पास नहीं हो सके। केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार निजी स्कूलों को जो है अप्रशिक्षित पारा शिक्षक को अनिवार्य रूप में हटाना होगा। राज्य के सभी स्कूल संचालित को ऐसे में सेवा मुक्त को से हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये झारखंड से बड़ा ही अपडेट आ रहा है, जो कि यहाँ पर 1.5 लाख जो है बच्चों की पढ़ाई जो है प्रभावित हो सकती है, और यहाँ पर 3,508 जो कि अनट्रेंड पारा शिक्षक है उसके हटाने के लिए यहाँ पर जो है निर्देश दिया गया है। हटाए जाने वाले अप्रशिक्षित पारा शिक्षक जिलावार आप देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक न्यूज आ रहा है, हम आप लोग के बीच दिखाने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो है झारखंड के जो रांची से निकल के आ रहा है प्रभात खबर के माध्यम से, और इसमें कहा है कि राज्य के 7,500 शिक्षकों की जो सेवा समाप्त हो जाएगी। और जैसा कि दोस्तों ये कहना है कि यहाँ पर कि देख सकते हैं कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को अब कोई मौका नहीं मिलेगा, और यहाँ पर देख सकते हैं जो भी शिक्षक का जो है 50% से कम था उसके लिए जो है इम्प्रूवमेंट का भी चांस दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि संपूरक परीक्षा में सफल होने पर भी नहीं दे सकेगी सेवा, और ये दोस्तों गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की यहाँ पर बात कही गई है। आप स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है सरकारी एवं निजी विद्यालय में कार्य 7,500 की सेवा जो है समाप्त की जाएगी। और यहाँ पर पूरी खबर का और का पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य के 7,500 शिक्षकों की सेवा समाप्त, यानी शिक्षा के अधिकार अधिनियम, शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता रखने वाले कार्य शिक्षक अब और मौका नहीं मिलेगा। इस संबंध में केंद्रीय मानव संसाधन विकास के सभी राज्य शिक्षा सचिवों को जो है पत्र लिखा गया है, यानी केंद्रीय विभाग की ओर से सभी राज्य के शिक्षा सचिवों को जो पत्र लिखा गया है, और इसमें कहा गया है कि शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता हासिल करने के लिए पहले वर्ष 2017 का समय दिया गया था, बाद में उन्हें बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। इसलिए 31 मार्च 2019 तक ट्रेनिंग एवं अन्य योग्यता हासिल नहीं कर सके वह पढ़ाने के योग्य नहीं है। इस आदेश में झारखंड
में सरकारी एवं निजी विद्यालय में कार्यरत 7,500 शिक्षकों की सेवा समाप्त हो जाएगी। वही 4,000 ऐसे पारा शिक्षक हैं जो कि अप्रशिक्षित परीक्षा में नहीं पास करे हैं, जिसकी इंटर में 50% कम है और उसकी सेवा जो है अब समाप्त की जाएगी। वो संपूरक यानी कंप्लीमेंट्री में पास होते हैं, फिर भी यहाँ पर कही जा रही है कि सेवा से मुक्त होना पड़ेगा। शिक्षक नियुक्ति में असफल शिक्षकों के लिए अनाज द्वारा संपूर्ण ली जाएगी, इसकी जो है तिथि की घोषणा की कर दी गई। हालांकि संपूर्ण परीक्षा असफल शिक्षकों के लिए प्राप्त करने का और एक अवसर नहीं माना जा सकता है, केंद्र सरकार ने ये जारी किया गया। दोस्तों कुछ ही देर में दोस्तों वहाँ पर जो आरके महाजन की जो मीटिंग होने वाली है उसके मैं अपडेट देने वाला हूँ। दोस्तों चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं कोई भी अपडेट आप लोग के बीच शेयर कर सकूँ।